अगर आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए अपने पीसी में मल्टीपल स्क्रीन मल्टीपल मॉनिटर कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसकी सेटिंग्स कैसे करेंगे? आप अपने कंप्यूटर में मल्टीपल स्क्रीन, दो मॉनिटर, चार मॉनिटर, छह मॉनिटर या जितना भी आप मॉनिटर कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे? मॉनिटर की सेटिंग कैसे करेंगे? आपको कौन कौन सा केबल या कनेक्टर का रिक्वायरमेंट होगा? तो इस बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। मल्टीपल स्क्रीन कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले कि आप कितने स्क्रीन को अपने सीपीयू में कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके सीपीयू में कितना आउटपुट डिस्प्ले पोर्ट है जिसकी मदद से आप मॉनिटर कनेक्ट कर सकेंगे। तो आप सबसे पहले अपने मदरबोर्ड में अपने सीपीयू के पीछे चेक कर ले, अगर आपके कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है तो ग्राफिक्स कार्ड में कितना आउटपुट दिया हुआ है वो चेक कर ले। नॉर्मली ग्राफिक्स कार्ड में 3 आउटपुट निकलते हैं और नॉर्मली सीपीयू में 1 या 2 आउटपुट मिलते हैं। अगर आपके सीपीयू में 2 आउटपुट दिया हुआ है, जैसे HDMI, VGA या DVI पोर्ट दिया हुआ है, तो आप जितना भी मदरबोर्ड में आउटपुट है उतना स्क्रीन आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप 3 मॉनिटर कनेक्ट करना चाहते हैं अपने पीसी में तो 1 ग्राफिक्स कार्ड लगा करके भी मैक्सिमम 3 मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके सीपीयू में 3 आउटपुट दिया हुआ है तो आपको ग्राफिक्स कार्ड का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली 3 मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं। बस आपको डिस्प्ले आउटपुट के लिए कन्वर्टर लेना पड़ेगा आपके मॉनिटर के अकॉर्डिंग। आप चेक कर ले आपके मॉनिटर में इनपुट कौन कौन सा सपोर्ट करता है, VGA दिया हुआ है, HDMI दिया हुआ है या DVI पोर्ट सपोर्ट करता है। अगर आपके CPU में DVI पोर्ट दिया हुआ है, HDMI पोर्ट दिया हुआ या VGA पोर्ट दिया हुआ है तो उस हिसाब से आप कन्वर्टर ले सकते हैं और अपने मॉनिटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आप 3 मॉनिटर से ज़्यादा कनेक्ट करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में तो आपके मदरबोर्ड में 2 ग्राफिक्स कार्ड लगाने का ऑप्शन होना चाहिए। थोड़ा लेटेस्ट वर्जन का मदरबोर्ड होना चाहिए जिसमें आप 2 बेसिक ग्राफिक्स कार्ड लगा करके भी मैक्सिमम 6 मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप उससे भी ज़्यादा मॉनिटर कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप अपने पीसी में 8 मॉनिटर कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए NVIDIA का एक ग्राफिक्स आता है जिसका मॉडल है T600। इसमें आपको डिस्प्ले आउटपुट 4 पोर्ट मिल जाते हैं, तो 4-4 का अगर आप 2 ग्राफिक्स कार्ड लगा देते हैं तो इसमें भी आपको 8 आउटपुट मिल जाते हैं जिसमें आप मैक्सिमम 8 मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप मल्टीपल स्क्रीन कनेक्ट कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी मॉनिटर आप एक ब्रांड का रखें या कोई भी मॉनिटर का साइज़ बड़ा छोटा रख सकते हैं। आप मॉनिटर की जगह TV का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको मल्टीपल स्क्रीन करने के लिए आपको एक ही ब्रांड का मॉनिटर लेना है या एक ही साइज़ में मॉनिटर लेना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी साइज़ का मॉनिटर यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, आप मॉनिटर की जगह TV का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल हम देखते हैं कि अपने CPU से कॉन्फ़िगर करने के बाद हम अपने मॉनिटर में कैसे एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ग्राफिक्स कार्ड से एक तो डायरेक्टली HDMI के थ्रू अपने मॉनिटर को कनेक्ट कर लिया है, दूसरा मेरे CPU में VGA का पोर्ट है जिसे मैं कनेक्टर के थ्रू यूज़ कर रहा हूँ, VGA टू HDMI का, इसके थ्रू मैंने दूसरा मॉनिटर कनेक्ट कर लिया है। तीसरा पोर्ट मेरे कंप्यूटर में है DVI का, तो DVI टू HDMI का भी कनेक्ट कराता है जिसे मैं लगा करके एक HDMI का आउटपुट ले रहा हूँ। इस तरीके से मैंने तीनों मॉनिटर को HDMI के थ्रू कनेक्ट कर लिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे तीनों स्क्रीन में डिस्प्ले आ चुका है। अब इसकी सेटिंग्स करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में विंडो प्लस P बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स दिख जाएंगे, यहाँ से आप अपने मॉनिटर में डिस्प्ले का सेटिंग कर सकते हैं। जैसे पहला सेटिंग है डुप्लीकेट, डुप्लीकेट करेंगे तो आपका एक जो मेन मॉनिटर है उसका डुप्लीकेट सब मॉनिटर में आपको दिखने लगेगा, क्योंकि हमें एक्सटेंड करना है तो हम यहाँ एक्सटेंड में क्लिक करेंगे ताकि आप मल्टीटास्किंग कर सकें। तो एक्सटेंड करने से आपके हर एक मॉनिटर में अलग अलग डिस्प्ले खुल जाएगा, अब आप यहाँ से अलग अलग मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। मॉनिटर का सीक्वेंस सेट करने के लिए आप अपने कंप्यूटर में राइट क्लिक करें, यहाँ से डिस्प्ले सेटिंग ओपन करें। यहाँ आप देख सकते हैं आपका तीनों मॉनिटर यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ से आप अपने मॉनिटर का सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई में क्लिक करते हैं, तो हमारे मॉनिटर का नंबर यहाँ शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप मॉनिटर को एडजस्ट कर सकते हैं, जिसे जहाँ रखना है वहाँ रख करके आप मॉनिटर रख सकते हैं। आपको मेन मॉनिटर कौन बनाना है वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ अप्लाई में क्लिक करेंगे तो वो सेटिंग हो जाएगा।
तो इस तरीके से आप हर एक मॉनिटर में अलग अलग काम कर सकते हैं, हर एक मॉनिटर का अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। मेरे सीपीयू में एक ही ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ था, इसलिए मैंने मैक्सिमम 3 मॉनिटर कनेक्ट करके आपको दिखा दिया है। इसी तरह सेम प्रोसेस है, अगर आप 6 मॉनिटर कनेक्ट करना चाहते हैं या 8 मॉनिटर कनेक्ट करना चाहते हैं तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है। इसी तरीके से आप अपने पीसी में मल्टीपल मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। अगर आपके मन में अभी कोई कंफ्यूजन है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।